हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी बीएड और एमएड वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और बहुत ही बड़ी न्यूज़ आपके लिए निकल आ रही है। याद रखिए, अवध यूनिवर्सिटी बीएड और एमएड आपके एग्ज़ाम फॉर्म की भरने की सूचना आ गई है कि आपका परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा। तो अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, हम देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा। एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर जिसका सबको इंतज़ार था। दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के बॉक्स में आना है और यहाँ पे क्लिक करते ही देखेंगे वह सूचना जिसके बारे में सबको इंतज़ार था। वह सूचना आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट के अंदर आपको दिखाई देगी कि आपके बीएड के संबंधित, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, बीएड से संबंधित आपकी क्या सूचना आ रही है कि बीएड एंड एमएड प्रथम और द्वितीय वर्ष। तो जल्दी से हम इस नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे और पढ़ेंगे कि बीएड और एमएड से संबंधित क्या खबर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, बीएड और एमएड से संबंधित आपको ये खबर दिखेगी और वो भी 2022 के मेन एग्जाम की बात की जा रही है। तो चलिए हम फटाक से यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो सूचना बीएड और एमएड के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आपके एग्जाम्स के लिए, और वो अपडेट क्या है। एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि बीएड एंड एमएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की मेन 2022 की मेन एग्जाम्स की बात की जा रही है। बीएड एंड एमएड प्रथम और द्वितीय वर्ष मेन एग्जाम्स के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन परीक्षा शुल्क 21/6/2022 यानी कि 21 जून से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 30 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म भरने के बाद इसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाएगी। ध्यान से इसको पढ़िए कि 30 तारीख को फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है। छात्र द्वारा पूरित आवेदन पत्र की एक प्रति, एक प्रिंट आउट आपको महाविद्यालय में दिनांक 1/7/2022 तक जमा किए जाएंगे। 1 तारीख तक आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को, वो 1 तारीख तक अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। और कॉलेज को बताया जाता रहा है कि महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि जो आवेदन आपके पास आएंगे वो 4 तारीख तक आप परीक्षा आवेदन को पत्र पात्र छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति विवरण परीक्षा विभाग को, मतलब वो जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो और आपका अटेंडेंस 5 तक आप यूनिवर्सिटी तक जमा करेंगे। बच्चों को जमा नहीं करना, ये महाविद्यालय को जमा करना है। बच्चे को क्या करना है, 21 से लेकर 30 तारीख के बीच में अपना फॉर्म भर देना है और 1 तारीख को आपको कॉलेज, 1 से पहले ही आप कॉलेज तक उस फॉर्म की प्रिंट आउट जमा कर दीजिएगा। और कॉलेज को बताया जा रहा है कि आप क्या करेंगे इस 5 तारीख से पहले बच्चों का अटेंडेंस परसेंटेज और बच्चे का वो फॉर्म यूनिवर्सिटी तक जमा कर देंगे। इस संबंध में यह भी अपेक्षा की जा रही है कि पूरी परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं सूचितमता से निरीक्षण कर ले। नाम एवं पिता के नाम में त्रुटि होने पर संबंधित छात्र छात्रा एवं महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे, मतलब बच्चे और कॉलेज स्वयं ही इस चीज़ की जांच कर ले कि नाम पिता का नाम सही है कि नहीं। दोस्तों, अपडेट आ गई आपकी, यानी कि 5 तारीख तक आपका सत्यापन का कार्य चलेगा, 21 से लेकर 30 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो उम्मीद करिए कि इस महीने के एंड तक, जुलाई के एंड तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और एंड तक नहीं 20 तारीख तक ही हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं अगर ये डेट आगे नहीं बढ़ी। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो डेट आ गया कि 21 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। अभी यह फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे फॉर्म भरना है, मैं इसका लाइव आपको करके दिखा दूंगा जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, और बताइए कि आपके परीक्षा फॉर्म आवेदन शुरू हो गया है, 21 से 30 तक चलेगा और 1 तारीख तक आपको कॉलेज में उस आवेदन की एक प्रति जमा करनी है। फटाफट से शेयर करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, और हाँ, आप टेलीग्राम से अब जुड़ जाइए क्योंकि सीरियस तौर पे आपके लिए नोट्स और आपके क्लासेस चलेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमें परीक्षा का डेट यहाँ से अब जल्द घोषित होगा, परीक्षा आवेदन शुरू हो गए। तो दोस्तों, एक बार से फिर हम शुरू कर लेते हैं सीरियसली पढ़ाई करना, और आज से पढ़ाई सीरियसली चालू। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, फटाफट से शेयर कर दिए दोस्तों अपने दूसरे दोस्तों के पास और अपने कॉलेज ग्रुप में। मिलेंगे अगले वीडियो में, जैसे ही आवेदन शुरू होती है आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। जल्दीबाजी मत करिएगा, संपूर्ण रूप से देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।